यीशु मसीह की जो गुणता है आपने बताया, उसके जो उनके जो विचार थे, उनके जो कार्य थे दुनिया में, बहुत विभिन्न जो परमेश्वर के बारे में, पिता के बारे में बताते रहे, उनका संबंध था, क्या वो जैसा संबंध वो पिता से था, क्या एक साधारण इंसान, एक पापी इंसान इस पवित्र परमेश्वर से कर सकता है? देखिए, यही तो मिस्ट्री है, यही मसीहत है। जैसा मैंने आपको कहा कि संसार में जितनी भी मान्यताएं हैं, सोच हैं, उसमें आपको दिखेगा कि मनुष्य परमेश्वर तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, अपने कर्म से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपनी योग्यताओं से हम परमेश्वर को कुछ ऑफर कर रहे हैं, कुछ ऑफर कर रहे हैं ताकि हम उस परमेश्वर के पास जा सकें, उसको जान सकें, उसके साथ हमारा संबंध हो। लेकिन इसके विषय में भारतीय दर्शन शास्त्र और पवित्र शास्त्र बाइबल बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। वहाँ लिखा है, ना योगेन ना सांख्यन कर्मणा नो ना विधाया ब्रह्म एकत्व मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान्यता। अर्थात ना आपके योगा करने से, ना माला जपने से, ना तीर्थ स्थलों पर जाने से आप किसी भी प्रकार से उस परमेश्वर को ब्राइब नहीं दे सकते। परमेश्वर इतना महान है, अगर आप पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में, परमेश्वर की जो पहली पहचान है, जो फर्स्ट कैरेक्टर है, वो है गॉड इज होली, परमेश्वर पवित्र है। और आप यू मान के चलिए कि उसकी पवित्रता एक आग के समान है, अगर आप आग की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, जल जाएंगे। बिल्कुल। तो पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर की पवित्रता का वर्णन करता है, और इसलिए लिखा हुआ है कि जब राजा सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बनाया तो प्रार्थना की गई, विनती की गई कि प्रभु जी आप इस मंदिर में आइए, ये मंदिर आपके लिए तैयार है। और वहां लिखा है कि परमेश्वर का तेज इतना भर गया कि याजक और जो लोग दूसरे लोग थे वो भाग गए, वो गिर गए वहां से, वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े नहीं हो पाए। मूसा के लिए लिखा है कि मूसा जब परमेश्वर से बात कर रहा था और वो आगे बढ़ रहा था, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा रुक जाओ, तुम आगे मत आओ, क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र है कि अगर आप उधर जाएंगे तो आप जल जाएंगे। अगर आप आयदा 6 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि वहां पे परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है, और जो यशा नबी है वो परमेश्वर की उपस्थिति में कह रहा है कि मैं मरा जा रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और वहां स्वर्गदूत खड़े हैं और उन स्वर्गदूतों ने अपनी आंखों को ढक लिया है क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं देख सकते, क्योंकि परमेश्वर इतना अगम है, पवित्र है, आग के समान। अब उस परमेश्वर के साथ संगति आप कैसे कर सकते हैं, उसको आप क्या चढ़ावा देंगे, उसको आप क्या दान देंगे, उसको आप क्या ब्राइब देंगे, आप उससे कैसे समझौता करेंगे? तो एक पापी व्यक्ति परमेश्वर के पास कभी नहीं पहुंच सकता। इसके लिए स्वयं परमेश्वर के पास ही कोई उपाय होना चाहिए। तो उसके विषय में एक हमारी बड़ी अच्छी सुंदर कहानी है जो भारतीय इतिहास में है। एक धनवान व्यक्ति रेलवे स्टेशन से उतरा और रेलवे स्टेशन पर उतरा, उसके पास बहुत सारा सामान था, बैग्स था, उसके पास लगेज था, तो वो कुली ढूंढ रहा था, उसे कोई कुली नहीं मिला। उसने एक जवान व्यक्ति को बोला कि मैं आपको कुछ पैसे दूंगा, आप मेरा सामान उठा लो। तो वो उस जवान व्यक्ति ने वो सामान उठा लिया और वो चलने लगे। फिर वो एक स्थान पर, एक घर पर पहुंच गया और वो जो व्यक्ति था, धनवान था, उसने दरवाजा खटखटाया और उसने कहा कि ईश्वर चंद विद्यासागर जी, मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो उसने 2-3 बार दरवाजा खटखटाया तो वो जवान व्यक्ति जो खड़ा था उसने कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि आप ये सामान रखो, चले जाओ और आपके जो पैसे हैं लेके चले जाओ। तो वो जवान व्यक्ति बोला, नहीं आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा, आप कौन हो? कहा कि मेरा नाम ईश्वर चंद विद्यासागर है, जिसका आप दरवाजा खटखटा रहे हैं, जिसको आप ढूंढ रहे हैं। तो वो व्यक्ति उनके पैरों में गिर गया। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो व्यक्ति ईश्वर चंद विद्यासागर जी को नहीं जानता था, उसका इमेज अलग था, कॉन्सेप्ट अलग, नहीं जानता था, उनकी एक डेफिनेशन होगी। इसलिए आज आपकी परमेश्वर की जो डेफिनेशन है, परमेश्वर के विषय में जो सोच है, जब तक आप पवित्र शास्त्र बाइबल का नया नियम नहीं पढ़ेंगे आप परमेश्वर को कभी नहीं जान पाएंगे। परमेश्वर एक सीक्रेट रहेगा, आपके लिए एक रहस्य रहेगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा विश्वास है, मेरा दावा है कि अगर मैं पवित्र शास्त्र बाइबल का पुराना नियम भी आपको दे दूं, जैसे हमारे यहूदी भाई लोग हैं, उनके पास में पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम का अध्याय है, और अगर आप उनसे पूछे कि आप परमेश्वर को जानते हैं, तो वो यही कहेंगे कि हाँ परमेश्वर है लेकिन हम उसे नहीं जानते, या वो ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो है नहीं, या वो जिसको वो ठीक से नहीं जानते, अगम्य है, अदृश्य है, यहोवा परमेश्वर है। लेकिन इसी बात को आपको जानना है कि वो परमेश्वर मनुष्य बनकर संसार में आया, उसने अपनी महिमा को फिलिपींस चैप्टर 2:4 ऑनवर्ड्स लिखा है, दास बन गया, खाली कर गया, सेवक बन गया। आप उसके पास नहीं जा सकते थे इसलिए वो आपके पास आया। बिल्कुल। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, शायद वो उदाहरण आप समझ पाए। आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं या प्रधानमंत्री हैं, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, अचानक आपको एक फोन आता है कि आपका बेटा जो है वो एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आप क्या करेंगे?
आप प्रधानमंत्री हैं, आप एक फोन करेंगे कि मेरे बेटे को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दो, या उसे फलाने हॉस्पिटल में ले जाओ, या उसका उपचार करो, आप ये करेंगे या आप कुर्सी से उठ जाएंगे, उठकर भागेंगे? बिल्कुल, आप प्रधानमंत्री हैं, आप बैठकर भी बहुत सारे निर्णय ले सकते हैं। बिल्कुल, जो आप कहेंगे वो होगा, सारे हॉस्पिटल्स खुल जाएंगे, सारे लोग आपकी सेवा में हैं। लेकिन ऐसे फादर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? यही सीक्रेट इस पवित्र शास्त्र बाइबल में है। परमेश्वर महान है, अगम्य है, सनातन है, पवित्र है, उसके तुल्य कोई नहीं है, और वो अपने सिंहासन पर विराजमान है। लेकिन जब पापी ने उसे पुकारा, भारतीय दर्शन में प्रार्थना है, पापों पापात्मा पापकर्मा पापसंभा त्राहिमाम पुण्यक्षाम सर्व पाप हरि हरि, परमेश्वर मैं पापी हूँ, मेरी सहायता कीजिए, मेरी मदद कीजिए। ऋग्वेद में भी पांचवें मंडल में सातवें मंडल में ये लिखा है, परमेश्वर हम पापी हैं। दाऊद का भी यही वचन है, परमेश्वर तू मेरा शरण स्थल है, तुझमें मैं छिप सकता हूँ, तू मेरा सहारा है, बिल्कुल, मैं तुझसे और दूर कहाँ जाऊँ। एक बच्चा जब गिर जाता है तो वो माँ को या पिता को पुकारता है, तो माँ या पिता जो है वो दौड़ कर आएगा। यही तो पवित्र शास्त्र बाइबल का संदेश है कि जब मनुष्य ने परमेश्वर को पुकारा, उसको जानना चाहा, वो परमेश्वर हमारे बीच में आ गया। मैं एक बाइबल का वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, कुलिसियों उसका पहला अध्याय 26 पद में लिखा है, वो एक भेद था जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा। परमेश्वर एक भेद था जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, लेकिन आगे लिखा है परमेश्वर ने उसे पवित्र लोगों पर प्रकट किया। ये पवित्र लोग कौन है? ये पवित्र लोग वो हैं जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर एक बुद्धिमान को ढूंढ रहा है जो उसे ढूंढ रहा हो। परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान कौन है? जो परमेश्वर को ढूंढ रहा है। और भाई मोसेस, अगर आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, आप उसे निश्चित मिल जाएंगे। देखिए, आप 100 महिलाओं को खड़ा कर दीजिए, स्त्रियों को खड़ा कर दीजिए, और उन स्त्रियों में से उनका एक बच्चा, किसी एक का बच्चा आप बैठा दीजिए, जिसकी उम्र 2 साल हो या 5 साल हो, तो आप मुझे बताइए वो बच्चा किसके पास जाएगा? अपनी माँ के पास। अपनी माँ के पास, अर्थात वो 100 स्त्रियों में अपनी माँ को पहचान लेगा। क्यों? क्योंकि वो माँ के प्रेम को, उसके स्पर्श को जानता है, उसकी ममता को जानता है, उसके उसके स्वभाव को जानता है। तो अगर आप परमेश्वर के स्वभाव को, उसके कैरेक्टर को, उसके प्रेम को अगर आप जानते हैं, उसने आपको बनाया, ये अगर आप जानते हैं और ढूंढ रहे हैं आप, तो आप निश्चित उसे पहचान लेंगे। बिल्कुल, और यही परमेश्वर चाहता है। और मैं एक बात बताकर आपको और उत्साहित करना चाहूंगा, आपकी जो खोज है उसमें स्वयं परमेश्वर आपकी सहायता करने को तैयार है। वाओ, आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर पेड़ के पीछे नहीं छुपेगा, वो आपकी सहायता कर रहा है। परमेश्वर दीवार के पीछे नहीं छिप जाएगा कि मुझे और ढूंढो, वो आपको तड़पाएगा नहीं। वो ऐसा नहीं कि किसी पेड़ पर जाकर छिप जाए या जंगल में छिप जाए। जब वो देखेगा कि उसका बच्चा, उसकी संतान, उसके लोग, उसकी प्रजा उसे ढूंढ रहे हैं, वो आगे बढ़कर, यही तो परमेश्वर चाहता है। बिल्कुल, तुम मुझे ढूंढो तो तुम मुझे प्राप्त करोगे, तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे मिल जाओगे। लिखा है, एक वचन पढ़ना चाहूंगा, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे क्योंकि तुम मुझे अपने संपूर्ण मन से ढूंढोगे। अगर आप ढूंढने का नाटक कर रहे हैं या ढूंढने की आप बस एक हल्की फुल्की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप संपूर्ण मन से परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, वो आपको मिलेगा और निश्चित मिलेगा।